From Saraswati Group of Education. How are you everyone? Fine. Now हमारी exam हमारी complete हो गई. हमारा chapter 12 भी complete हो गया. हमने chapter 12 part माला और हमारी अभ्यस्ती का और हमारी CW में हमने chapter 12 complete कर लिया. हम होंगे कामयाब. Now student आज हम करेंगे हमारा chapter number 13. वो start करेंगे chapter number 13 का नाम है प्रखर की बुद्धिमानी. ये एक एकांकी है, नाटक है, that means कि हम लोग उसको प्ले कर सकते हैं. और बुद्धिमानी, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बुद्धिमानी. यहाँ पर इस लड़के ने, इस लड़की का नाम है प्रखर. कौन सा नाम है, क्या नाम है, प्रखर, राइट. उसकी बुद्धिमानी की यहाँ पर बात है. तो सच में ऐसी कई सारी स्टोरियां होती है कि जिसको सुनने समझने से हमें बहुत हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसी बुद्धिमानी यूज करनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, हमें हमारी बुद्धि का योग्य उपयोग करना चाहिए, राइट. तो अभी हम लोग ये लेसन स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें क्या है. ओके, नाउ इस सेशन में हम लोग हमारा ये जो फर्स्ट ये लेसन का हाफ पार्ट करेंगे, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है और हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है. और हम लोग पहले हाफ करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन में हाफ और उसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग जब हमारे लेसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमारे शब्दार्थ देखते हैं. क्या देखते हैं, शब्दार्थ. क्योंकि बिना शब्दार्थ के अगर हमें उसके अर्थ मालूम नहीं होंगे शब्दों के अर्थ, तो हम लोग उसको नहीं देख सकते, राइट. यानी कि समझ नहीं सकते, वाक्य में अगर होंगे तो हम लोग उस वाक्य को ठीक से समझ नहीं सकते, राइट. तो सबसे पहला शब्दार्थ है शरारती. क्या है, शरारती, तो उसका मतलब होता है नटखट. क्या होता है, नटखट. हम कहते हैं ना कि ये बहुत शरारती है, यानी कि ये बहुत नटखट है. ज्यादातर बच्चों के लिए ये शब्द यूज किया जाता है कि ये बच्चा बहुत शरारती है, ये बच्चा बहुत नटखट है, राइट. फिर है ठहाका. ठहाका यानी कि जोर से हंसना. अगर किसी की कोई बात पर या तो किसी की कोई मस्ती पर कोई जोर जोर से हंसता है तो उसको कहते हैं ठहाका. क्या कहते हैं, ठहाका. देखो इस सेशन में हम लोग हमारे जो सारे लेसन के शब्दार्थ को देख लेंगे, क्योंकि हम लोग सारे शब्दार्थ हमारे CW में लिख लेंगे, राइट. हम चैप्टर हाफ अवश्य करेंगे पर हम शब्दार्थ सारे के सारे देख लेंगे. फिर है परिचय. क्या है, परिचय. तो परिचय यानी कि पहचान. किसी भी व्यक्ति को हम लोग पहचानते हैं तो यानी कि हमारा उनके साथ परिचय है. परिचय यानी कि पहचान. फिर है अहंकारी. तो अहंकारी यानी कि घमंडी. कैसा, घमंडी. जिसको अपने अपने आप पर खुद बहुत घमंड हो, गर्व हो, अहंकार हो, राइट. अहंकारी यानी कि घमंडी. फिर है आश्चर्यचकित. तो हैरान और अचरज. कोई ऐसी बात है जो आप लोगों ने देख ली है तो हमें हम उसको देख के क्या हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, अचरज में आ जाते हैं. ये सब उसके सिनोनिम्स वर्ड है. फिर है उत्साह. उत्साह यानी कि जोश, राइट. उत्साह यानी कि जोश. फिर है खतरनाक. तो खतरनाक यानी कि जिससे खतरा हो. खतरनाक यानी कि जिससे हमें खतरा है. जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बिजली के बड़े बड़े खंभे होते हैं, वहां जहां पर चारों तरफ की कोई मेन सबस्टेशन वहां पर दिया है तो वहां पर बोर्ड लगाया जाता है खतरा. दैट मींस कि उस चीज से हमें खतरा है. फिर हम लोग कई ऐसी जगह, कोई पहाड़िया जगह होती है तो वहां पर भी लिखा होता है खतरा, सावधानी से वाहन ड्राइव कीजिए, राइट. तो खतरा यानी कि जिससे हमें नुकसान हो, हमारा खतरा हो. शरारती यानी नटखट. ठहाका यानी कि जोर से हंसना. परिचय यानी कि पहचान. अहंकार यानी कि घमंडी. आश्चर्यचकित यानी कि हैरान और अचरज. और उत्साह यानी कि जोश. और खतरनाक यानी कि जिनसे खतरा हो, राइट. तो ये थे हमारे चैप्टर के शब्द. नाउ अभी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ इस चैप्टर की एक एक लाइन रीड करनी है. और रीड करनी है क्योंकि रीड करना हमें आएगा तो हम लोग आसानी से इसके आंसर
दे सकते हैं. देखो सबसे पहले पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 का जो हमारा सबसे पहले हम लोग वो स्टार्ट करते हैं, राइट. पेज नंबर 75, प्रखर की बुद्धिमानी, चैप्टर नंबर 13. आज प्रखर का नए विद्यालय में पहला दिन था. प्रखर नाम का एक लड़का है और उसका विद्यालय में यानी कि स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वह विद्यालय के अंदर जाने से डर रहा था. इसको मतलब सभी को ऐसा होता है. अगर हमारी स्कूल नहीं है, हम लोग स्कूल में नए नए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम स्कूल में जा रहे हैं, तो हमें भी अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लगता है. लगता है सबको, राइट. हम लोग आसानी से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते दूसरी चीजें, राइट. तो हम लोग दूसरे स्कूल में ये प्रखर जा रहा था, तो वो अंदर से अंदर डर रहा था. उसके लिए यहाँ सब कुछ नया नया था, क्योंकि वो उस स्कूल में उसका पहला दिन था, इसलिए सारी चीजें उसके लिए नई नई थी. घंटी बजने में अभी समय था, यानी कि क्लास में जाने में अभी देरी थी, और वो तो जल्दी आ गया था, तो अभी घंटी बजने में देरी थी. वह बाहर वाली सीढ़ियों पर बैठ गया. अभी घंटी नहीं बजी थी, जब तक घंटी नहीं बजती तब तक कोई क्लास में नहीं जाता, तो वो क्लास की बाहर की जो सीढ़ियां थी यानी कि जो स्टेप थे उस पर वो बैठ गया. अचानक प्रखर चौंक गया. अचानक क्या हुआ कि वो चौंक गया. उसके पीछे विद्यालय का सबसे शरारती छात्र अनिकेत हाथ में पानी की बोतल लेकर खड़ा था. एकदम वो अचानक वो चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके पीछे क्लास का स्कूल का सबसे शरारती बच्चा, उसका नेम क्या है, अनिकेत. क्या नाम है उसका, अनिकेत. और वो अनिकेत के हाथ में क्या था, पानी की बोतल. और वो पानी की बोतल लेकर उसके पीछे खड़ा था, और वो उसको एकदम से देख के चौंक गया. इससे पहले कि प्रखर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता, अनिकेत ने बोतल का सारा पानी उसके ऊपर डाल दिया. अभी प्रखर को तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है या होगा, तो वो तो उसके साथ दोस्ती का हाथ फैलाने वाला था. बट अनिकेत ने तो उसकी बात सुनी भी नहीं, और उससे पहले ही उसके ऊपर पानी की पूरी बोतल डाल दी, राइट. और ये सब उसके लिए, प्रखर के लिए एक चौंकावनारी बात थी, राइट, चौंकाने वाली, कि वो, उसको तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि कोई ऐसा करेगा, उसके साथ पहला दिन है, राइट. और उसने अनिकेत, वो तो शरारती बच्चा था, उसको तो सिर्फ शरारती सूझती है, तो उसने तो उस पर पानी की बोतल, पूरी बोतल डाल दी. अभी यहाँ से स्टार्ट होता है अनिकेत ठहाका लगाते हुए. ठहाका, दैट मीन्स यस, जोर से हंसते हुए. हाँ 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 हाँ, ऐसे कहो कैसी रही, क्वेश्चन मार्क है. अनिकेत बोल रहा है, कहो कैसी रही. सभी नए लड़कों का स्वागत हम इसी तरह करते हैं. तो नटखट था, शरारती था, तो उसने तो क्या किया कि उस पर पानी की बोतल फेंक दी ना, और फिर ठहाका लगा के यानी कि जोर से हंस के बोल रहा था कि कैसी लगी, जो भी इस विद्यालय में नया नया आता है हम उसको, उसका स्वागत इसी तरह करते हैं. प्रखर दुखी होकर, वो तो एकदम दुखी हो गया, क्योंकि उसके लिए ये सारा माहौल नया था. उसको तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसा उसके साथ होगा, और वो तो उसका मन कैसा हो गया, एकदम दुखी. लेकिन यह तो अच्छी बात नहीं है. प्रखर क्या कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है. हम भी ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई पहला दिन होगा स्कूल में और हमारे साथ कोई ऐसी बदतमीजी करेगा, तो हमें भी ये, हमारा मन भी दुखी हो जाएगा. तो प्रखर कहता है कि नहीं, ये बात अच्छी नहीं है. तभी कई लड़के वहां आ जाते हैं और एक लड़का मृदुल आगे बढ़कर प्रखर के बगल में खड़ा हो जाता है. ये सारा प्रोग्राम चल रहा था, अनिकेत ने पानी की बोतल डाल दी और सब कुछ ये चल रहा था, और अचानक एक लड़का जिसका नाम था मृदुल, क्या नाम था, मृदुल, और वो वहां पर प्रखर के पास बाजू में आके खड़ा रह जाता है. मृदुल, अभी मृदुल बोलता है,
धीरे से, कैसे बोलता है, एकदम धीरे से, ताकि वो अनिकेत और शरारती बच्चे थे वो उसकी बात ना सुने। और धीरे से कहता है, घबराओ मत दोस्त, मेरे लोकर में एक कमीज रखी है, तुम उसे पहन लो। मृदुल है उसको क्या कहता है कि वो, उसको पता है कि वो बच्चा कैसा है, नया है प्रकट, और इन शरारती लड़कों ने उसके साथ शरारत की है। तो मृदुल क्या करता है कि उसको धीरे से बोलता है कि घबराओ मत दोस्त, तुम मेरे लोकर में, यानी कि सबके वहां पर लोकर थे, डेस्क थे, कि सबके उसके कपबोर्ड थे कि जिसके अंदर सबकी बुक्स वहां पर पड़ी रहती है। तो उसने, मृदुल ने कहा कि मेरे लोकर में एक कमीज रखी हुई है, कमीज यानी कि शर्ट, राइट, कि एक शर्ट रखा हुआ है, तो तुम वो पहन लो और घबराओ मत। ओके, राइट नाउ पेज नंबर 76, प्रखर। अभी प्रखर कहता है अपना परिचय देते हुए, दैट मीन्स कि वो अपनी पहचान देता है, अपना परिचय देता है, मेरा नाम प्रखर है, मेरे पिताजी का तबादला कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो तबादला मींस, तबादला मींस कि उनकी बदली, राइट, कोई भी नौकरिया पर्सन है जो नौकरी करता है, तो उनका एक जगह से दूसरी जगह पर उनकी ट्रांसफर की जाती है, राइट, तो उनका ट्रांसफर यानी कि उनकी बदली यानी कि उनका तबादला यहाँ पर हुआ था, राइट। प्रखर कहता है कि मेरा नाम प्रखर है और मेरे पिताजी का तबादला यानी कि ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है, आज मेरा इस विद्यालय में पहला दिन है। और ये सब, एक तो वो दुखी हो गया और कह रहा है कि आज तो मेरे पिताजी का, आज तो मेरा स्कूल में पहला दिन था और मेरे साथ ये सब हो गया। और मृदुल कहता है, जाने दो दोस्त, अनिकेत यही सबसे अहंकारी लड़का। अभी मृदुल क्या है, वो तो झूठा पुराना लड़का है, तो वो तो पहले से स्कूल में था, तो वो तो जानता ही है कि अनिकेत कैसा लड़का है, शरारती लड़का है। तो वो कहता है, जाने दो दोस्त, वो तो सबसे अहंकारी लड़का है, दैट मींस कि घमंडी लड़का है, वह सब पर रोब दिखाता है, घमंडी है, नटखट है, बड़ा बदमाश है, तो वो सब पर क्या जमाता है, अपना रोब जमाता है, यानी कि सबको अपने नीचे रखना चाहता है। वे प्रखर कहता है, आश्चर्यचकित होते हुए, यानी कि एकदम अचरज में होके, क्या उसे कोई कुछ नहीं कहता, अध्यापक कोई नहीं कहते, अभी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बहुत शरारती है, बहुत झगड़ाखोर है, घमंडी है, अहंकारी है, तो फिर प्रखर कहता है कि क्या उन्हें कुछ कोई नहीं कहता अनिकेत को, क्या अध्यापक यानी कि टीचर भी कभी उन्हें कुछ नहीं कहते। मृदुल कहता है, अध्यापक से कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि सभी उससे डरते हैं। देखो, वो अनिकेत यही इतना शरारती कि सबको परेशान कर रहा है, तो इसी के लिए सब उनसे डरते हैं, किनसे, अनिकेत से, और कभी भी कोई भी अनिकेत की कंप्लेन टीचर से यानी कि अध्यापक से नहीं करते। प्रखर का सारा दिन उदास रहता है क्योंकि पहले ही दिन उसके साथ इतनी बुरी बदतमीजी हुई, तो उसका पूरा दिन उदास रहता है। बहुत उत्साह से विद्यालय आया था, देखो वो कितने उत्साह से, कितने एकदम नया नया स्कूल है, और वो सब कुछ सोच के वो विद्यालय आ पहुंचा था, और अचानक उसके साथ ऐसा हो गया, राइट, तो वो एकदम उदास हो गया। परंतु आज विद्यालय के पहले ही दिन उसका उत्साह ठंडा पड़ गया, यानी कि उसको जो जोश था कि नए विद्यालय में जाके ये करेगा वो करेगा, वो सब कुछ उसका ठंडा पड़ गया। प्रखर वापस घर आकर, अभी वो स्कूल में गया और वापस घर आया, मामा मुझे यह विद्यालय बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं कल से वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके साथ इतनी बड़ी बदतमीजी से उसके साथ प्रसन्न हुआ। तो उसने क्या किया कि अपनी घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि मामा ये विद्यालय बिल्कुल अच्छा नहीं, देखो कोई भी ऐसा पर्सन है, किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति के साथ, हमारे साथ अगर कोई ऐसा बुरा व्यवहार करेगा तो हमें भी ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो वो कहता है कि ये विद्यालय बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। माँ कहती है,
बड़े प्यार से समझाते हुए, बेटा आज तुम्हारा विद्यालय में पहला दिन था। क्या कहता है कि बेटा आज तुम्हारा विद्यालय में पहला दिन था, शायद इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। क्या कहते हैं कि शायद इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, धीरे धीरे सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। क्या कहते हैं कि धीरे धीरे तुम्हारे सभी दोस्त अच्छे बन जाएंगे, अभी तुम्हारा पहला दिन था इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बट धीमे धीमे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। उनकी माँ है, प्रखर की माँ उन्हें समझाती है कि नया दिन था, पहला दिन था, नया माहौल था, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। थोड़े दिनों के बाद प्रखर के दोस्त बन गए, लेकिन फिर भी वह हमेशा अनिकेत से दूर रहता था। उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, बट वो अनिकेत से कैसे रहता था, दूर, क्योंकि अनिकेत उसे पसंद नहीं था। सरायों की लड़की कभी भी पसंद आते नहीं है, राइट? तो अनिकेत से वो हमेशा दूर रहता था। एक दिन प्रखर विद्यालय से घर पैदल आ रहा था, यानी कि वो चलकर घर वापस लौट रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी और प्रखर दौड़कर एक दुकान के पास खड़ा हो गया। क्या हुआ कि एकदम जोर से बारिश होने लगी, तो प्रखर था वो पैदल जा रहा था, तो वो भीग ना जाए इसलिए वो एक दुकान के साइड में खड़ा रह गया, ताकि वो भीग ना जाए और उसकी बुक्स बैग सब कुछ ना भीग जाए। फिर प्रखर बोलता है, खुद से अपने आप से बात कर रहा है, पता नहीं कि बारिश कब बंद होगी, आज मुझे घर पहुंचने में देर ना हो जाए, क्योंकि घर से वो घर से जा रहा था स्कूल से और बीच में बारिश आ गई, तो वो मन ही मन में सोचता है कि आज देर ना हो जाए घर जाने में। तभी उसकी नजर एक खतरनाक से दिखने वाले आदमी पर पड़ी। खतरनाक यानी कि उसको देख के ही लाइक जैसे कि वो एक गुंडा है, राइट, एक कोई बदमाश है, ऐसा उसको एक महसूस हुआ और उस आदमी को उसके ऊपर उनकी नजर पड़ी। प्रखर की सामने वाले मकान के बाहर खड़ी जीप के नीचे कुछ कर रहा था, यानी कि वो जहां पर घर था उसके बाद जीप थी और जीप के नीचे ये खतरनाक दिखने वाला आदमी कुछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपना कुछ सामान लेकर मोटर साइकिल पर बैठकर 9:11 हो गया। 9:11 यानी कि भाग गया। 9:11 एक मुहावरा है। क्या है मुहावरा? मुहावरे क्या होते हैं कि कुछ इस तरीके के वाक्य होते हैं जो हम लोग उसका अर्थ लेता ऐसा होता है, जैसे कि 9:11 हो जाना यानी कि भाग जाना, राइट। जल्दी से कोई भी कोई गलत काम करते तो कितन की, तो 9:11 हो गया, भाग गया, राइट। तो उसने तो कुछ जीप के नीचे कुछ किया और वो तो फटाफट भाग गया। और प्रखर खुद से अपने आप से बोल रहा है, लगता है यह आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा था, राइट। देखो यहाँ पर यहाँ तक ही हम रखेंगे प्रखर तक, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का ये चैप्टर करेंगे, प्रखर ने खुद से क्या किया, फिर उसने क्या किया, ओके। और प्रखर वाला जो हम ये पैराग्राफ है कि उसने फिर क्या किया कि आदमी उसको ऐसा लगा कि जरूर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, फिर प्रखर ने क्या किया, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। तो यहाँ तक हम लोग अभी लेसन रखते हैं। हमने क्या क्या देखा लेसन में कि एक शरारती लड़का है अनिकेत, जो प्रखर नाम का एक लड़का है जिसका पहला दिन है स्कूल में, तो वो उसको परेशान करता है और प्रखर को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी देखो ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को परेशान करना चाहिए नहीं। अगर हमें किसी को परेशान करते हैं तो सबसे पहले ये बात हमें सोचनी चाहिए कि हमें कोई परेशान करेगा तो हमें कैसा लगेगा, राइट। तो हमें कभी भी किसी को भी परेशान करना चाहिए नहीं, ओके, राइट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ये चैप्टर रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये चैप्टर आगे का कंप्लीट करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सेफ, घर पे रहना है और एकदम सेफ रहना है, ओके। हमेशा बाहर जाते हैं तो मास्क को पहन के रखना है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए, सबसे वैक्सीन तो आएगी या नहीं आएगी, प्रॉपर होगी या नहीं होगी,
बट हमारे लिए जो मास्क है वो सबसे बड़ी वैक्सीन है, ओके। इसलिए हमेशा जब बाहर जाए तो मास्क को पहन के रखिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।